हेलो एवरीवन वेलकम टू अबी पी डिया अबीपीडिया एस के इस बेहतरीन मंच पे मैं सनी भोंसले एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ देखिए जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो कर ही रहे हैं बट आज से हम एक नई सीरीज भी आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो है ही है बट इसके साथ क्या है पेपर डिस्कशन है क्योंकि हमारी जंग जारी है और नौकरी की तैयारी है तो आप लग जाओ अभी पीडिया के साथ एक नौकरी की तैयारी में बिकॉज आफ्टर प्लस टू आपको क्या चाहिए जॉब जल्दी से जल्दी तो सी एच एस एल वही तो है डिस्कशन इसका किया वो ऑलरेडी सो वो देख लीजिएगा चलिए पेपर देखते हैं और पेपर की डेट क्या थी तेरह अप्रैल दो हजार इक्कीस सेकेंड शिफ्ट डन चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं एबीसीिक क्वारेटर विथ ए बी एस डायमी ऑफ द सर्कल इफ एंगल ए डी सी इज इकल टू एक सौ अठारह डिग्री मेजरमेंट डिग्री ऑफ एंगल बी ए सी इज लेटेस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन देखिए मुझे क्या दिया बच्चों साइकिलेटर कौन सा होता है जो सर्कल के अंदर बना होता है ऐसा करके अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ऐसा बिल्कुल चलेगा ए सो बना दीजिए और एबीएस डायमीटर तो ए बी एस डायमीटर है सो यहां पे मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा इसे सो ए बी एस डायमीटर मतलब ए बी एस है ए बी सी डी डन अब देखो जरा एडीसी डी सी ये कितना बेटा एक सौ अठारह डिग्री और एंगल बी ए सी बताना है मतलब बी ए सी ये वाला एंगल बताना है देखो अब आपको दो चीज़ों का बेटे अच्छे से नॉलेज होने जानी चाहिए कि साइकिल क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स हम कितना होता है अपने पास 180 डिग्री इसका मतलब अगर ये 118 डिग्री है तो डेफिनेटली दिस हेज टू बी 62 डिग्री बिकॉज बासठ प्लस एक कितने होंगे 180 अस्सी हो गए और एंगल इन सेमी सर्कल दूसरी बात क्या है एंगल इन सेमी सर्कल इजिकल टू नाइन्टी डिग्री इसका मतलब डायमीटर जो सर्कल फेरेंस पे एंगल बनाएगा सेमी सर्कल में वो नब्बे डिग्री हो गया इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका नाइन्टी डिग्री हो गया तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी सी ए हो गया ये बी हो गया और ए सी हो गया सो ए बी एंड सी सो ये एंगल हो गया बेटा नब्बे डिग्री ये हो गया कितना सिक्सटी टू डिग्री तो ये बताना नौ छः पंद्रह एक सौ बावन एक सौ बावन और ये कितना होगा फिर ट्वेंटी एट डिग्री बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इज द राइ आंसर क्लियर सो ये बहुत ईजी इजी क्वेश्चन आते हैं सी एच एस एल में बट हाँ कुछ टाइम इनका लेवल बहुत ही बढ़िया होता है तो इनको हमें टाइम टाइम पर बढ़िया से करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आते हैं इसमें तो उन्हीं में से एक है ये मुझे दिया एक्स एस टू बार फोर माइनस वन फोर्टी टू एक्स केयर प्लस वन इजिकल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब चलिए देख लेते हैं बेटा पर फोर माइनस वन फोर्टी टू एक्स स्क्स वन इजिकल टू जीरो है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब ये मुझे फाइंड आउट करना है देखो अगर मैं आपसे बात करूं ये निकल कहां से सकता है अगर मैं आपसे देखो छोटी सी एक बात डिस्कस करना चाहूंगा अगर मैं x प्लस वन पॉइंट एक्स लिखूं और इसका क्यूब करूं तो ये कितना है एक, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस ए एक प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मुला होता है अब देखो जरा तो यहाँ से मुझे पहले ये फॉर्म तो जनरेट करना है बाद ही मैं कुछ पाऊंगा तो चलिए इसको उठाते हैं फिर ऊर्जा भाई है ना एक्स एस पर फोर अभी बी डी पे वो बहुत बढ़िया लेक्चर चल रहा है तो ऊर्जा भाई एक्स क्या प्लस वन इज टू जीरो अब मुझे एक्स प्लस वन अपन एक्स चाहिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स पर फोर प्लस वन इज इक्वल टू वन फोर्टी टू एक्स स्केर अब मुझे क्या चाहिए मुझे इसके नीचे एक्स चाहिए और यहाँ पे इसको खत्म करना डन तो कैसे कर सकता हूँ मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स के तो ये क्या होगा एक्स फोर बाय एक्स का स्केर प्लस वन इज इक्वल टू वन फोर्टी टू एक्सकेयर अपॉन एक्स के ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो so, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा फिर मेरे पास एक्सेज पर फोर बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स का स्क्वायर इज गढ़ वन फोर्टी टू तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिला मुझे बेसिकली अभी चाहिए क्या नीड ऑफ द आर इज वन प्लस सॉरी एक्स प्लस वन एक्स तो ये कितना मिला एक्स स्केयर प्लस वन एक्स इज वन फोर्टी टू अब देखो जरा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको बेटा ध्यान से सुनेगा ट्राइंग टू से अगर मैं देखूं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्केयर अगर हम करें तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स का स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स का स्केर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्केयर बनाना है एक्स स्केयर प्लस वन एक्स स्केयर से तो सिर्फ दो ऐड करना पड़ेगा <coughs> बिल्कुल सो so एडिंग टू बोथ साइड्स तो क्या बनेगा ये एक्स स्केर प्लस वन बाय एक्स स्केयर प्लस टू इज गन फोर्टी फोर क्लियर वन फोर्टी टू प्लस टू इसका पूरा से लिख लेते दिस विल बिकम एक्स प्लस वन पॉइंट एक्स इसका होल स्केर इज गन फोर्टी फोर एंड एक्स प्लस वन पॉइंट एक्स इज टू कितना हुआ Root of 144, डन तो देट वॉज वेरी इजी डन तो चलिए अब देखो नेक्स्ट क्या है अब होपफुली आपने नोट कर लिया होगा लेफ्ट वाला यहाँ थोड़ी सी जगह बना ले अब देखो अब आपको क्यूब निकालना है तो फॉर्मूले पुट कर देते हैं क्या दिक्कत है इसमें डायरेक्ट भी बताऊंगा बट जब आप कोर्स में आएंगे तो एक्स प्लस वन कितना है का क्यूब इज इगल टू एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब वी हैव टू फाइंड आउट देखो ये तो कट चुका है प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अवर ट्वेल्व तो क्या है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब क्या होगा बारह का क्यूब कितना होगा सत्रह सौ अट्ठाइस और बारह से छत्तीस माइनस छत्तीस अट्ठाईस घटाओ से किया अट्ठाईस छह दो आठ तो आंसर ये वन सिक्स नाइन टू ऑप्शन नंबर आंसर क्लियर तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं द नंबर इज डिवाइडेड बाय सिक्स ट्वेंटी फोर द रिमाइंडर विल बी फिफ्टी थ्री इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय द रिमाइंडर विल बी अब देखो क्या हो रहा है किसी नंबर को किसे डिवाइड कर रहे हो सिक्स ट्वेंटी फोर से और कितना बच रहा है फिफ्टी थ्री इसका मतलब नंबर की फॉर्मेशन क्या होगी नंबर फॉर्म क्या होगा मेरे पास 624 P plus 53. कि ये वाला नंबर जो है बेटा वो 624 से 624 से डिविजिबल और तिरपन बच रहा है मेरे पास इज एक्ट क्लियर छे सौ चौबीस से डिविजल फिफ्टी थ्री बच रहा है सो so, अब इस नंबर को डिवाइड करना है मुझे 16 से तो देखो मैं क्या करूंगा मुझे देखो नंबर नहीं पूछा गया सिंपल सी बात है अगर नंबर पूछा होता तो मैं पी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से डन सो so, दिस नंबर डिविजिबल डिविजल मतलब 624, पी प्लस फिफ्टी थ्री बाय सिक्सटीन देखो ये कितने पे गया सौ चौबीस पी प्लस सोलह प्लस फिफ्टी थ्री बाय सिक्सटीन तो ये कितना है सोच के देखो ये कितने पे जा रहा है सोलह चौबीस चौंसठ क्या है थर्टी नाइन पे गया बिकॉज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 640 सौ चालीस माइनस सोलह बटा सोलह यह कितना चालीस और ये कितना हो माइनस एक तो अभी बी डी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो यहाँ पे आएंगे तो और भी बढ़िया लगेगा तो इसका मतलब ये नंबर तो पूरा कट गया अब मुझे रिमाइंडर देगा कौन मुझे ये देगा तो सोलह दूनिया सोलह ती अड़तालीस तो कितना बचा प्लस फाइव ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्लियर सो ये छोटे छोटे एक बढ़िया से क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं डन चलिए लेटेस्ट मूड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी द गिवन स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज अब ये मेरे पास बहुत अच्छी डाटा इंटरप्रिटेशन दी हुई है द टेबल शोज द एनुअल कंजप्शन इन हंड्रेड टी इन फाइव स्टेट्स ए बी सी डी एंड ई अक्रॉस सिक्स ईयर्स मतलब छः साल के अंदर 2014 से 2019 का मुझे डाटा दिया हुआ है ठीक है ए का दे रखा है कि भी 2014 में था 15 में 16 में 17 में 18 में इस तरह बी का दे रेखा सी का दे रखा डी का दे रखा और ई e का रिस्पेक्टिवली दे रखा है द कंजप्शन ऑफ टी इन विच स्टेट एंड एयर इज क्लोज टू द एवरेज कंसेप्शन ऑफ टी ए ओवर सिक्स ईयर सब देखो ए का कितना दिया हुआ ए का मेरे पास है एक सौ बारह प्लस एक सौ बाईस प्लस एक सौ चौबीस प्लस एक सौ पैंतीस प्लस वन फिफ्टी थ्री डन प्लस कितना आ गया वन फिफ्टी थ्री आ गया अब देखो इसको जरा ऐड करो मुझे एवरेज पूछे मुझे एवरेज पूछ रहा है वो इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है अगर मैं बेसिकली इसको ऐड भी करना चाहूं तो कितना आएगा देखो 100 200 300 400 500 500 10 20 30 40 50 60 70 80 130 प्लस लेट मी चेक इट अगेन ए का पूछा है ना ओवर द ईयर एक दो तीन चार पांच है क्या ये अलग है आई थिंक इसमें एक डेटा मिसिंग है मेरे शायद 2019 का मैं वही सुहा था माफ कीजिएगा ये है मेरे पास 150 फिफ्टी एक मैं बता देता हूँ आपको कितना कितना आपका डेटा आपके पास क्लियर तो चलिए देखते हैं जरा चलो मैं एक बार डेटा की एनालिसिस बेटा दोबारा करना चाहूँगा यहाँ पे बता देता हूँ आपको कौन कौन सा है। एक शायद मेरे को ईयर मिसिंग लग रहा है चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस का ठीक है चलो देखते हैं इसमें देखिए मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ दो हजार चौदह का मुझे कितना दिया हुआ है मैं एक बार दोबारा देखिए आपको बता देता हूँ जो दो हजार चौदह का है मेरे पास वो है एक सौ बारह डन फिर है एक सौ बाईस फिर एक फिर एक फिर एक फिर कितना है एक सौ डन सो so ये कितना आ गया एक दो तीन चार पाँच छन छः सौ प्लस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह पाँच सोलह एक सौ सो साठ प्लस दो दो चार चार आठ नौ दस ग्यारह बार तेरह तेरह पाँच अट्ठारह तो ये कितना हो गया सेवन सेवेंटी एट एग्जैक्ट क्लियर और इसको जब आप छः से करोगे तो कितना आएगा देखो ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली वन थर्टी के अराउंड कुछ क्योंकि मेरे को सारा अप्रॉक्सीमेशन में दिया हुआ तो मैं यही उठा लूँगा डाटा क्लियर है चलिए अब ये कह रहा है कि ये वाला जो डेटा है ये कहाँ पे बैठ रहा है सी 2016 देखो सी का 2016 नहीं बैठ रहा बी का 2014 बिल्कुल देख सकते हो तीस है तो यही मेरा आंसर है बाकी सब ठीक है इसमें बस थोड़ा सा हेर फेर किया वो क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चल रहे आ ट्रेन टेक्स फॉर वन फोर बाय फाइव आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ थ्री सिक्सटी किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए डबल्ड इट विल टेक थर्टी सिक्स मिनट लेस देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस क्लियर है बट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन बी देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है इसको बड़े अच्छे से करेंगे हम

वन वन बाई फाइव वन फोर बाय फाइव का मतलब क्या पांच नाइन बाई फाइव आवर इतना है क्योंकि टाइम मुझे करना है तो ए और बी का मैनेज कर लिया मैंने ये क्वेश्चन वन हो गई नेक्स्ट क्या किया इफ स्पीड ऑफ ए इज डबल्स तो मैं क्या लिखूंगा स्पीड ऑफ बी ज्यादा होगी और सॉरी कम होगी तो ये नंबर भी बड़ा होगा थ्री सिक्सटी ए ऑफ स्पीड ऑफ ए इक्वल टू टू कितना आ गया मिनट लेस देन द टाइम टेकन बाय बी छत्तीस बटे साठ तो ये कितना हो गया तीन बटा पाँच डन आवर की बात हो रही है तो ये आवर की बात कर रहे हैं डन इसको अगर नहीं भी आपने चेंज करना आवरली तो चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट कर लेंगे तो बेटर रहेगा देखो मुझे अब यहां से क्या बताना है स्पीड ऑफ बी तो ए को खत्म कर दें इसको देखो दो से मल्टीप्लाई करो अगर मैंने इसको दो से मल्टीप्लाई किया कितना आया सात सौ बीस एक मिनट बी इसको करके फ़ायदा नहीं मिलेगा उल्टा हो जाएगा बल्कि सेकंड को करो स्पीड ऑफ ही कर लो इसको करो दो से मल्टीप्लाई इसका मतलब ये तो रहेगी ऐसे ही कैसे एन थ्री सिक्सटी अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस थ्री सिक्सटी अपॉन स्पीड ऑफ बी इज कर दो नौ बटे पाँच नेक्स्ट क्या सात सौ बीस बटा स्पीड ऑफ बी माइनस थ्री सिक्सटी अपॉन स्पीड ऑफ ए इक्वल टू दो से करोगे तो छः बटे पाँच डन बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं आता तक दोनों को ऐड कर दो देखो जब इनको आप ऐड करोगे ये होगा कैंसिल तो कितना बचा मेरे पास सात सौ बीस बटा स्पीड ऑफ बी माइनस थ्री सिक्सटी अपॉन स्पीड ऑफ बी मैंने ऐड किया इनको डन इक्वल टू नाइन बाई फाइव प्लस और छह बटे पांच तो ये कितना हो गया चौदह बटे पांच हो गया सॉरी पंद्रह बटे पांच यह कितना हो गया तीन आ गया तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा कितना तीन सौ साठ बट स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू तीन तो एक आटो जरा स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्लियर सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन जो आपने भी किया अच्छा क्वेश्चन था काफी है चलिए स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा क्वेश्चन दिया होगा बहुत अच्छी लॉजिकल डी आई थी इस पेपर में बेटा स्टडी द स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस बाई वट परसेंटेज ऑफ 80 परसेंट टोटल एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इन सोलह सत्रह उन्नीस देखो एक्सपोर्ट कौन सा है सोलह सत्रह और उन्नीस 2016 की बात करूं मैं कितना दिया मुझे 270 2017 की बात करूं कितना दे तीन सौ साठ दो की बात करूं तो कितना दे तीन सौ अस्सी डन तो ऐड करके कितना आ गया बेटा तीन छः दो आठ प्लस आठ छः चौदह सात इक्कीस यानी दो सौ दस तो वन ज़ीरो वन जीरो और इसका मुझे अस्सी परसेंट निकालना है यानी चार बटे पाँच तो ये कितना हो गया टू जीरो टू तो बेटा ये कितना आ गया आठ सौ आठ आ गया मोर देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ दो हजार पंद्रह एंड अठारह पंद्रह अठारह का प्रोडक्शन पंद्रह और अठारह का प्रोडक्शन यानी तीन सौ बीस प्लस चार सौ चालीस ये कितना हो गया सात सौ साठ अब आठ सौ आठ है वो सात सौ साठ से कितना ज्यादा दिख रहा आपको? 48 है आपको फोर्टी एट किससे ज्यादा है 760 से गुना ऑफ 100 परसेंट तो आंसर इस ये देखो किसके राउंड आएगा जीरो से जीरो काटो जरा सिक्स पॉइंट थ्री के राउंड आएगा कुछ आपका ठीक है तो ऑप्शन नंबर छह से बढ़ा आएगा और सात से छोटा आएगा दिख ही रहा है मुझे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने में चल रहा हूँ मैं वायर इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्केयर ऑफ एरिया वन सिक्सटी नाइन सेंटीमीटर स्केयर देखिए एक वायर है उसको स्केयर की तरह से बेंड किया गया है एरिया इतना तो मेरे पास जो स्केयर है मैंने मानी उसकी साइड ए है मेरे पास तो ये भी ए ये भी ए ये भी, ए, ये भी है। तो इसका एरिया एस के टू कितना वन सिक्सटी नाइन हो गया क्लियर सो एस के टू कितना हो गया बेटा वन सिक्सटी नाइन सो ए कितना आ गया ऑफ़ टू तेरह सेंटीमीटर तेरह हां बिल्कुल तेरह सेंटीमीटर देखो अब वायर को बेंड करके आपने स्केयर बनाया हमने क्या किया वायर को बेंड करके स्केयर बनाया तो दे आर तो भी सेम पैरीमीटर इक्वल अब वायर तो कैसी होगी बेटा आपके पास मैं क्या बोलूंगा टू पाई आर सर्कुलर होगी ठीक है इक्वल टू कितना हो गया फोर ए सो टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इज गिवन इंटू रेडियस इज गेरा कितना मुझे पहले इसका दो छब्बीस ग्यारह तेरह तो रेडियस कितनी आई नाइनटी वन बाई इलेवन सेंटीमीटर क्लियर है ये सारा नंबर बता रखा तो अप्रॉक्सीमेटली है सो so, एरिया क्या होगा आर स्केयर 22 बटे सात इंटू नाइनटी वन बाय अलेवन नाइन्टी वन बाई इलेवन तो कितना हो गया तेरह ग्यारह दूनी बाईस तो ये कितना हो गया दो गुना तेरह गुना इक्यानवे बटा ग्यारह देखो मैं आपसे अगर बात करूं देखो इसका आंसर नियरेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है नियरेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है सो so, अगर मैं पैक पूरा भी करके देखना चाहूँ तो ये कितना हो गया पहले इस तरह कर लो नाइन्टी वन इंटू थर्टीन कर लो डन सो so, नब्बे प्लस एक गुना तेरह तो ये कितना हो, तो तो, तो 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 हो गया ग्यारह सौ सत्तर तेरह गुना नौ एक सौ नौ एगम नौ नौ तेरह सत्ताईस बिल्कुल सो तेरह तो ये कितना हो गया वन वन एट थ्री डन प्लस या इंटू टू बाई ग्यारह डन तो दो सौ से थोड़ा बड़ा आएगा तो ऑप्शन है मेरी बिल्कुल सही आंसर है मेरा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ मैं ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डू दिस प्लीज करिए आपका दस पंद्रह सेकंड करो इसको चलिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों तरीके से बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको इतना तवज्जो दे आपको दस सेकंड दिए करने के लिए और क्यों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्लियर चलिए देखो अगर बेटा मैं टेन ऑफ ए की बात करूं कैसे 11 बटे साठ लिख सकते हैं बिकॉज ये एक पॉइंट एक दिया होगा अगर आपको नहीं सही से दिख रहा हो तो डन इसका मतलब टेन थीटा होता गया परपेंडिकुलर बॉन बेस यानी ऐसा कुछ दिस इज मै थीटा ये ए हो गया ये बी हो गया सी हो गया ये हो गया नब्बे डिग्री डन अब देखो अगर ये इतना हो गया सो मेरे पास परपेंडिकुलर है ग्यारह और ये है साठ तो मैं हाईपोटो निकाल सकता हूँ कैसे निकाल लूंगा ए बी का स्केयर प्लस ओ बी सी का स्केयर ए टू ए सी का स्केयर तो ये कितना हो गया ए सी स्केर कितना ग्यारह ए बी मतलब ग्यारह का स्केयर प्लस साठ का स्केयर छत्तीस सौ प्लस एक सौ इक्कीस कितना हो गया सैंतीस सौ इक्कीस जो कि साफ साफ दिख रहे है। मेरे किसका उसके रूट होता है सिक्सटी वन का तो यह सिक्सटी वन का ध्यान रखेंगे ग्यारह साठ और इकसठ का क्या होता है मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है इज एग्जैक्ट क्लियर तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अब कॉस ए अब ये मेरे पास परपेंडिकुलर है बेटा ये मेरे पास बेस है और ये मेरा क्या है हाईपोर्ट तो कॉस ए क्या होता है मेरे पास फोर इंटू कॉस होता है बेस अपॉन हाईपोर्ट पहले लिख लू एक बार माइनस सेवन इंटू ऑफ पर by बाय हाई बोर्ड डन तो फोर इन टू ऑफ बेस कितना है बेटा साठ बटे इकसठ माइनस ऑफ सात गुना परपेंडिकुलर कितना ग्यारह बटे इकसठ तो ये कितना हो गया आपके पास दो सौ चालीस बटे इकसठ माइनस ऑफ सतहत्तर बटे इकसठ ठ ठीक है तो चालीस माइनस करो तो ये कितना है दो सौ इसमें से भी चालीस माइनस करो तो सैंतीस बाय सिक्सटी वन आप देखो बहुत आसान हो गया वन सिक्सटी थ्री बाय सिक्सटी वन आ गया तो कितना आएगा एक सौ बाईस दो इकतालीस बटा इकसठ टू फोर्टी वन बाय सिक्स ऑप्शन सो ऐसे क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगा बेटा क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे स्टडी द गिवन ग्राफ कहा है भाई बारग्राफ अच्छा नेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो द गिवन चार्ट रिप्रेजेंट द सेल्स टर्न ओवर इन रुपीज करोड़ और फाइव ऑटोमोबल्स ए बी सी डी ई ड्यूरिंग चौदह पंद्रह एंड पंद्रह सोलह द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द कंपनीज एंड वाई एक्सिस टर्न ओवर इन रुपीज करोड़ द टाटा शोन इज ओनली फॉर मैथमेटिक एक्साइज डू नॉट चलिए वो कोई हमारे काम का नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करें टू कंपनीज हैव द सेम परसेंटेज इंक्रीमेंट इन सेल्स टर्न ओवर फ्रॉम चौदह पंद्रह टू पंद्रह सोलह देखो ये ब्लू वाला है मेरा चौदह पंद्रह और ये क्या है पंद्रह सोलह डन अब बी एंड सी हाउ विल डू दिस क्वेश्चन अगर देखो मैं एक ही बात करूं देखो मैं अगर बी की बात करता हूं क्या दिया ट्विस्ट टू कंपनीज हैव द द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन सेल फ्रॉम कंपनी पंद्रह टू पंद्रह सोलह मैं अगर एक की बात करूं मैं ऐसे निकालना शुरू करूंगा ए बी सी ऐसे करके ए का कितना बेटा अगर एक ही बात करूंगा एक हज़ार साठ है और कहां तक पहुंचे हो बारह सौ पचास तक डन यानी आप क्या करोगे उन्नीस का इंक्रीमेंट है या एक सौ नब्बे का इंक्रीमेंट है कितना वन ज़ीरो सिक्स जीरो इंटू सौ परसेंट क्लियर है तो देखो ये कितना आएगा ये इससे काटो जरा अगर एक सौ छः ही अप्रोक्सीमेटली सत्रह कुछ सत्रह पॉइंट नौ के अराउंड कुछ आने वाला है तो अप्रोक्सीमेटली अठारह ले लूँ सेम अगर पहले ही आ जाएगा तो देख लेंगे इतना ही आएगा सो बी की बात करेंगे बी में क्या है नाइन फिफ्टी फ़ोर से मैं कितने हूं? पे गया हूँ वन वन टू फाइव पे यानी ये कितना आएगा पच्चीस क्या सेवनटी वन हो गई नाइन फिफ्टी फ़ोर से हम गए हैं ग्यारह सौ पच्चीस पे तो छप्पन और एक सौ पच्चीस इट हेज़ टू बी वन एटी वन और वन सेवेंटी वन फोर्टी सिक्स दिस एज टू फोर्टी सिक्स सो वन सेवेंटी वन का इंक्रीमेंट कितने में नाइन फिफ्टी फोर पे इंटू हंड्रेड परसेंट ये भी अप्रोसीमेटली इतना ही आने वाला सत्रह अठारह तो ये और भी आपका बिल्कुल सही आंसर है तो सीक्वेंस वाइज जाओगे तो जल्दी आंसर आएगा एज कम्पेयर टू एस, एस दिस है इज एक्सा क्लियर चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ चलिए भाई इंटरेंगल ए बी सी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने देखने में अच्छा लग रहा है इंटरेंगल ए बी सी एंगल बीज गु नाइन्टी डिग्री ये ए हो गया ये बी हो गया सी हो गया नब्बे डिग्री हो गया ए बी मुझे आठ दिया हुआ बी सी मुझे कितना दिया पंद्रह दिया हुआ डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एटी एंगल है ओके तो ये मेरे पास एंगल बाय सेक्टर है मुझे बी निकालना निकालना तो बट इसका यूज भी कोई नहीं है क्यों नहीं है अगर ये बायसेक्टर नहीं होगा तो मैं एंगल बाय सेक्टर थ्योरम कैसे ये है इंटरनल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम ये क्या बोलते कि ए बी बट है ए सी एस गडू बी डी सी डी बट ये करने से पहले कुछ और भी करना पड़ेगा क्या मुझे ए सी निकालने दो बेटा ए सी कैसे निकलेगा मैं पाइथागोरस लगाऊँगा इस पर ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर इजू ए सी स्केर आठ का स्केयर प्लस पंद्रह का स्केयर ए सी स्केयर तो ए सी स्केर कितना होगा चौंसठ प्लस टू ट्वेंटी फाइव इज इज टू एटी नाइन तो यहाँ से ए सी कितना आएगा मेरा अंडर टू एटी नाइन 17, तो अगर से याद रखिएगा आठ पंद्रह और सत्रह का ट्रिपलेट है तो दो ट्रिपलेट आज हम देख चुके हैं बहुत बढ़िया से वाले ठीक है तो बी ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी यानी ए बी अपॉन ए सी यानी आठ बटे सत्रह होगा ये सोच के देखो और ये किसका होगा बी डी ऑन सी डी का यानी आठ और किस में होगा सत्रह में होगा क्वेश्चन किसकी वाले पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन इज सास की कंबाउट द वैल्यू बी डी क्वेश्चन पूछ रहे बी डी और देखो जरा अगर मैं बीसी की बात करूं मेरे पास कितना है आठ प्लस सत्रह पच्चीस यूनिट है तो इस पच्चीस यूनिट की वैल्यू कितनी है पंद्रह सेंटीमीटर तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई पंद्रह बटे पच्चीस तो मुझे किसी वैल्यू चाहिए हाउ मच? एट यूनिट। सो एट यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सो एट यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरे पास पंद्रह बटे पच्चीस गुना आठ तो ये कितना पांच से पंद्रह पंजी पंजे पच्चीस आठ से चौबीस बटे पांच चार पॉइंट आठ तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो ऐसे क्वेश्चन के बिना तो कहां मजा आता है भाई है ना चाहिए कुछ ऐसे क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन एटी डेज एंड 96 सिक्स डेज रिस्पेक्टिवली दे कंप्लीट द वर्क इन थर्टी टू डेज विद हेल्प ऑफ सी हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू कंप्लीट द इंटायर वर्क लोन देखो मेरे को क्या दिया हुआ टाइम ऑफ ए कितना अपने पास एटी डेज टाइम ऑफ बी कितना अपने पास नाइनटी टू सिक्स डेज तो सबसे पहले तो और टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस ई कितना है बत्तीस डेज देखो बत्तीस सौ छियानवे में है ही है तो अगर मैं 80 और 96 का सम ले लूँ तो क्या होगा? 80 को देखो कैसे लिखूंगा मैं? 16 गुना 5, 96 को कैसे लिखूंगा मैं? 16 गुना 6 तो ये कितना होगा? 16 गुना 5, गुना 6. डन तो ये कितना होगा? यहाँ पे कितना का एफिशिएंसी ऑफ ये कितनी आएगी कि मेरे पास? 6. Efficiency बी कितने आएगी मेरे पास? 16 के छानवेगल 5. एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आएगी बेटा 16 32 5 3 15 डन सो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मुझसे हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क अलोन सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी आएगी 15 6 plus 5 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 15 तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आएगी 15 11 व्हिच इज इक्वल टू 4. तो अब ये कह रहा है भाई इसी स्पीड से, यानी 4 यूनिट पर जो भी डेज़ दिया हुआ है, सो वर्क, टाइम ऑफ़ सी इनटू, एफिशिएंसी ऑफ़ सी. सो वर्क कितना? 16 गुना 5 गुना 6. इज़ इक्वल टू टाइम. एफिशिएंसी ऑफ़ सी 4. तो 4 चौके 16. तो पांचों के बीस बीस गुना सौ बीस ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट सेंटीमीटर मेल्टेड एंड ब्रेथ फोर्टी सेंटीमीटर ओके वट इज लेंथ ऑफ बॉडी डायगेल टू क्यूबर्ड देखो अब क्यूबर्ड का डायगेल क्या होता है मेरे पास डेगल ऑफ वो था भाई एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर इसका अंडर रूट ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है डन सो so, अब देखो जरा क्या है अब मेरे को क्या दिए मैं ही बोलूंगा मटेलिक क्यूब वॉल्यूम ऑफ मटेलिक क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मुझे बिल्कुल बोलना पड़ेगा ये चीज क्लियर है वॉल्यूम ऑफ मटेलिक क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो मटेलिक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है 20 इंटू 20 इंटू ट्वेंटी डन और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या लेंथ था कि 40 बैठ दो चालीस और हाइट भाई हमें पता नहीं तो बीस दूनी चालीस चालीस दो तो हाइट कितनी आ गई पास सेंटीमीटर क्लियर है, तो कितनी वॉल्यूमल यानी so, मेरे पास चालीस का स्केयर बीबी चालीस का स्केर प्लस पांच का स्केर तो ये कितना सोलह सौ प्लस सोलह सौ प्लस पच्चीस तो ये कितना होगा बेटा बत्तीस सौ पच्चीस आप देखो जरा अब अगर मैं ध्यान से देखूं क्या बनेंगे इसे फैक्टर क्या पाँच गुना पाँच बनेंगे पच्चीस से कटेंगे और चार नौ इंटू वन ट्वेंटी नाइन बिल्कुल बनेंगे तो पांच आगे भर पांच वन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्लियर तो बहुत इजी क्वेश्चन था कुछ ऐसा क्वेश्चन में था नहीं कि बहुत बड़ा भूचाल टाइप बट अच्छा क्वेश्चन था अ स्टेट वर्टिकल पोल वॉज ब्रोकन ड्यूरिंग साइक्लोन इन सच अ वे दैट इट स्टॉप टच इज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स रूट थ्री मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल एंड मेड एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद दट वॉज द हाइट ऑफ द पोल देखो मतलब ऐसे करके कुछ पोल था और वो यहां से टूट गया सपोज करो यहां से टूट गया सपोज करो यहां से टूट गया और ए यहां पे आ गया डन ये इतना यहां तक है टूट गया डन अब वो क्या कह रहा है ये डिस्टेंस कितना सिक्स रूट थ्री डन और ये कितना है थर्टी डिग्री भी दो कैसा ही कुछ बिल्कुल सही देखो ये नाइनटी डिग्री है एक बात का याद रखना आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो यहां पे रटी रटाई चीजें तो बढ़ाई नहीं जाती कुछ नई चीज बता देते हैं आज देखो अगर मैं आपसे बात करूं एक ट्रायंगल ले लेते हैं थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री और नाइन्टी डिग्री का डन तो ये वन रूट थ्री और टू होता है डन वन रूट थ्री और टू होता है अब देखो यहां पे कितना है छः गुना छः रूट थ्री तो यहां पे जो होगा वो भी छः गुना होगा और ये भी क्या होगा छः गुना और ये दोनों बराबर दिए हो मुझे यही वॉल्ट टूट के तो नीचे गिरा यहां से ऐसे तो बेटा अगर ये बारह है तो ये भी तो बारह होगा और बारह गुना बारह कितना होता है बेटा मिनट एक मिनट वट वॉज द हाइट ऑफ द पोल बिल्कुल हाइट ऑफ द पोल पूछिए तो ये बारह और छ कितना हो गया अठारह सेंटीमीटर मैं कुछ और समझ गया था बट ये पूरा पोल पूर का पूछा हो तो छे तो है ही है ये आ ये ये गया और ये छे तो मुझे पता ही है डन तो, तो टोटल कितना हो गया बेटा ऑपरेश अठारह सेंटीमीटर एग्जेक्ट क्लियर चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिले चलो क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोस द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2000 एंड 2003 वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स कौन-कौन से साल की बात कर रहा है वो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दो एंड 2003 2002 का है? 2003 2002 की बात करूं 35 दो हज़ार तीन की बात करें पचपन तो ये कितना पाँच साठ नौ एवरेज नब्बे बटा दो कितना होगा बेटा पैंतालीस हो गया या जिनका सम भी इको होगा तो चलेगी बात आप एवरेज निकाल रहे हो इसको भी दो से डिवाइड करोगे और आने वाले जो ये पेयर्स हैं दो हजार सात आठ जो भी दिए हुए हैं इनको भी तो आप दो से डिवाइड करोगे तो दो हजार एक दो की बात करते हैं एक साथ ये कितना बीस प्लस सात कितना है सत्तर बनतो रहा नब्बे बटा दो पैंतालीस बी देखो छ आठ आठ, सात चार ग्यारह बारह एक सौ बीस बटा तो साठ ये तो नहीं बन रहा तो ऑप्शन नंबर यही सही है क्यों फर्दर चेक करना आप चेक कर सकते होमवर्क के लिए डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते क्यूब माइनस एक्स प्लस टू वाई का क्यूब इजीकल टू एक्स माइनस वाई इंटूफ इंटूफर प्लस वाई स्क्र प्लस बी एक्स वाई ऑफ टू ए माइनस चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखो अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कि मुझे करना क्या है ये क्या ए क्यूब माइनस और बी क्यूब ये पूरा ए है और ए बी है सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है मेरे पास ये होता है ए माइनस बी इंडोफे स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर क्या ऐसा कुछ होता है देखो जरा करके होना तो ऐसे चाहिए ठीक है टू ए भी होते है, फिर वो तो ए प्लस बी का स्केर बन गया चलो लेटेस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है एक बार चेक करके देखते हैं फिर देखते हैं इसको कि क्या ऐसा होगा ए माइनस बी क्या टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस टू वाई और ए स्केर यानी टू एक्स प्लस वाई का स्केर प्लस बी स्केर एक्स प्लस टू वाई का क्यूब होना चाहिए मेरे हिसाब से चलो देख लेते हैं इंटू ऑफ टू एक्स प्लस वाई इंटू ऑफ एक्स प्लस टू वाई आई विल क्रॉस दिस क्वेश्चन अगेन तो ये कितना होगा टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस टू वाई दन इंटू ऑफ फोर एक्स स्र प्लस वाई स्केयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस एक्सकेयर प्लस इट हेज टू स्केयर वाई स्केयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस ऑफ टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू वाई प्लस वाई इंटू ऑफ एक्स प्लस टू वाई बताइए क्लियर हुआ अभी तक मुझे थोड़ा सा डाउट है एक परसेंट का पर देख लेते हैं इसको सो so, ये कितना हो गया देखो एक्स माइनस वाई इन टू ऑफ फोर एक्सकेयर फोर वाई स्केयर यानी फाइव एक्सर फाइव वाई स्केयर हो गया है। ठीक है या इसको पूरे को देख लेते हैं अभी फाइव एक्स स्केर प्लस फाइव वाई स्केयर प्लस चार चार आठ एट एक्स एट एक्स वाई आ गया फिलहाल यहां से फिर बिल्कुल आ चुके हैं प्लस यहां से देखो कितना आएगा टू एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस टू वाई स्केयर बिल्कुल सही तो ये कितना है एक्स माइनस वाई 5xy, एक्स वाई दो एक्स वाई सात एक्स वाई सॉरी सात एक्स स्केयर प्लस सेवन वाई स्केयर प्लस पांच आठ तेरह एक्स वाई अब देखो मेरे पास यही वाली फॉर्म बन गई इसको मैं एक्सप्लेन करके लिखूं. एक्स माइनस वाई इंटू ऑफ सेवन इंटू ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस बी इज हाउ मच बी एक्स वाई तो तेरा एक्स वाई तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं देखो किसको कंपेयर करना है मुझे एक्स माइनस वाई इन टू एफ एन टू एक्स स्केर प्लस बी एक्स वाई तो यहां से बेटा ए कितना आ साफ सा मुझे दिख ही रहा है ये आ गया मेरा साथ और बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बी कितना आ गया मेरा तेरा तो पुट कर दो जरा टू ए माइनस बी यानी टी इन टू सेवन माइनस थर्टी तो 14 13 हाउ मच वन तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का टन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा चलो द एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 16 नंबर 2 इयर्स 40% स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स एंड द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स डन बट इज द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो अगर बॉयज और गर्ल्स की बात करें अगर मैं बॉयज गर्ल्स की बात करूँ फोर्टी सिक्सटी यानी टू रेशो थ्री है एलिगेशन ट्राई करेंगे द एवरेज एज अगर मैं एज की बात करूं ट्वेंटी परसेंट मोर देन द गर्ल्स यानी अगर इनकी फाइव एक्स है तो इनकी डेफिनेटली कितनी एक्स है, 6X है। उस फोर्टी का यूज हो गया नीचे वाले ट्वेंटी का यूज हो गया अब एवरेजेज कितनी दी है पांच एक्स डेफिनेटली ये सबसे बड़ा होगा और छोटा होगा तो सिक्स एक्स माइनस सोलह पॉइंट दो इन टू ऑफ सोलह पॉइंट दो माइनस हो पांच एक्स और किस रेशो में टू रेशो थ्री बिकॉज मार्क्स कहते होते हम स्टूडेंट और मार्क्स पर स्टूडेंट तो टू रेशो थ्री डन तो दैट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन तो कितना गया सिक्सटीन पॉइंट टू माइनस फाइव एक्स अपॉन सिक्स एक्स माइनस सिक्सटीन पॉइंट टू इजिकल टू कितना टू बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये कितना आ गया देखो सोलह थी अड़तालीस अड़तालीस पॉइंट छः माइनस पंद्रह एक्स इजिकल टू बारह एक्स माइनस बत्तीस पॉइंट चार तो ये कितना आ गया अड़तालीस पॉइंट छ माइनस इटा प्लस बत्तीस पॉइंट चार इस टू तो बारह एक्स प्लस ऑफ पंद्रह एक्स डन तो यहाँ से क्या एक्सी वैल्यू कुछ निकल रही देखो आठ चार पाँच सात आठ दो दस तो एट्टी वन इजिकल टू ट्वेंटी सेवन तो एक्स एक्सी वैल्यू कितनी आ गई बेटा तीन आ गई मुझे क्या पूछ रहा बॉएस, बॉएस है बॉयस बॉयस कितने हैं छः गुना तीन अठारह खत्म बात डन सो so, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आते रहेंगे और चलते भी रहेंगे और करते नहीं करने भी बढ़िया से बेटा डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं टू साइड्स ऑफ ट्रेंगल आर 12.8 मीटर एंड 9.6 मीटर इफ द हाइट ऑफ द इज 12 मीटर कॉरसपॉन्डिंग टू 9.6 पॉइंट सिक्स देन वट इज द हाइट ऑफ कॉस्पॉन्डिंग टू ट्वेल्व डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है देखो हाइट कितनी नाइन पॉइंट सिक्स किसके कॉरसपॉन्ड है बारह पॉइंट सॉरी बारह के दूसरे कितने बारह पॉइंट आठ टू फैच काटो इसे जरा पॉइंट से पॉइंट हटा दो सोलह छोला आठ चार दून आठ चार दी बारह तीन तो एच कितना हो गया नाइन कुछ भी करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में चलिए अब ये है फोर थ्री बाई एट ईयरस ना चलिए ये फोर थ्री बाय एट ईयरस है फोर थ्री बाई एट डन चलिए सम ऑफ थ्री टू अमाउंट टू छब्बीस इक्यासी पॉइंट अट्ठाईस इन टू ईयर एट अ सर्टन रेट परसेंट पर है इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फोर थ्री बाई एट ईयर एट डबल द डबल द सेम टाइम कैसे करोगे देखो सबसे पहले रेट ऑफ तो इंटरेस्ट की बात कर लें अगर मैं बात हूँ चौबीस बत्तीस रुपए कितने हो गए टू सिक्स एट वन पॉइंट टू एट डन तो आप क्या बोलोगे भाई कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला या मैं क्या बात करूं दो साल मैंने चौबीस महीने की बात हो रही है डन यानी आप क्या कहोगे टू सिक्स एट वन पॉइंट टू एट डिवाइडेड बाय टू फोर थ्री टू डन इसको देखो जरा एक बार सॉल्व करके कितना आ रहा है कुछ क्या पता चल रहा है मुझे यहाँ से और क्या है हंड्रेड डन क्या कुछ मिल रहा है मुझे यहाँ से देखो जरा देखो इसे काटो जरा पहले दो से क्या दो से कट रहे है अगर मैं इसी बात करूँ तो हाँ जी कटना चाहिए अल्टीमेटली कट कटा के जो ये वैल्यू आएगी ना आपके पास मैं लिख देता हूँ सारी की सारी मुझे तो दिखी रहे किसे कट रही है एट थ्री सेवन नाइन डिवाइडेड बाय सेवन सिक्स डबल ज़ीरो फिर देखो उन्नीस से कटे ये आएगा फोर फोर्टी वन और ये आएगा फोर हंड्रेड सो अल्टीमेटली जो बन रहा है ना वो बन रहा है ट्वेंटी वन अबाउन ट्वेंटी का होल स्केल जो कि कितना टाइम कितना है मेरे पास टू ईयर क्लियर टाइम कितना है मेरे पास टू ईयर्स अब देखो जरा अगर टाइम बेटा का टू ईयर्स हैं तो अब मेरे पास क्या है तो बीस रुपये था इक्कीस हो गया डन बीस था कितना तो हो गया, so, गया। इक्कीस तो हो गया सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया एक रुपये का प्रॉफिट भी इस पर इंटू ऑफ सौ परसेंट तो पांच परसेंट हो गया सीधा था बिल्कुल हो गया अब देखने वाली बात क्या है इसमें क्या बोल रहे हैं फोर थ्री बाय एट ईयर्स अब फोर थ्री बाय एट ईयर्स का मतलब क्या है हाँ जी फोर थ्री बाय एट ईयर्स का मतलब क्या है? किस पे मिलने चाहिए सोच के देखो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी बाई हंड्रेड जहाँ लगाने की जरूरत पड़े लगा सकते हैं तो टू फोर थ्री टू इंटू टेन इंटू थर्टी फाइव बाई एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड बात ही खत्म होगी डन क्योंकि पहले क्या था ये कितना है आठ चौके बत्तीस पैंतीस बटे आठ चल गया पता कहाँ से आ गया डन तो सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल की को दिक्कत वाली बात ही नहीं है डन चलो और, और, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था पाँच तो दो गुना दस हो गया बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो पाँच सत्ते पैंतीस पाँच दो दस ये कितना कि बारह सौ सो सोलह तो आपका जो 1064 के आएगा आंसर ना वन जीरो सिक्स फोर आएगा ठीक है कैलकुलेशन पार्ट में आप पे छोड़ता हूँ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हा शॉपकीपर बोट 40 डजन एक्स एट 1.40 एच कि उसने क्या किया भाई 40 अंडे दर 40 डजन ने खरीदे 1.40 रुपए के हिसाब से डन अगर मैं बात करूँ आर्टिकल एंड प्राइस आर्टिकल कितने 40 दर्जन एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं और प्राइस कितना है 1.40 एक का 1.40 एक है तो 480 का कितना होगा टू बाय फाइव ये कितना हो गया मेरे पास सिक्स सेवेंटी टू डन चार सौ अस्सी तो चार सौ अस्सी हो गया प्लस चार सौ अस्सी कैसे लिखोगे चार सौ अस्सी प्लस टू बाई फाइव हो चार सौ अस्सी तो ये कितना हो गया पाँच इनमें पैंतालीस पाँच तीस तो ये कितना हो गया कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे बार चेक कर लें इसको लैंड वन वन बाय फोर जीरो इंटू फोर एटी सो इसको जब करोगे फोर्टी बाय हंड्रेड यानी टू बाय फाइव ऑफ फोर इट बी नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स इंटू ऑफ टू इज नौ दिन अठारह वन नाइनटी टू बिल्कुल सही सिक्स सेवनटी टू ये बिल्कुल सही है डन नेक्स्ट देखिए कितना दिए दिया एटी एक्सपर ब्रोकनि ट्रांसपोर्टेशन सोल्ड रिमेनिंग अब एटी ख़राब हो गए भाई तो कितने बचे मेरे पास चार सौ अस्सी माइनस सौ अस्सी यानी कितने बचे चार सौ और एक का प्राइस कितना है वन पॉइंट सिक्स तो सोलह चौके चौंसठ कितना हो गया छः सौ चालीस रुपये ये तो भाई बंदा घाटा खा गया साफ साफ कितना हो गया भाई बत्तीस रुपये का घाटा हुआ कितने बचे सिक्स सेवनटी टू ऑफ सौ परसेंट तो चार अठे बत्तीस सोलह चौक सोसठ और आठ तो चार आठ फोर्टी टू क्या है इक्कीस आ रहा है चेक करो तो ये सौ बटे इक्कीस हो गया तो ये चार सोलह बटे इक्कीस परसेंट है कुछ और वो भी क्या है लॉस ऑप्शन नंबर डी बिना किसी तरीके सही है डन So, ऐसे ऐसे मजेदार क्वेश्चन पेपर में आता है तो डरना नहीं है, बस करना है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे ट्वेंटी फाइव एंड एक्सर प्लस वाई इक्वल टू कितना है सेवनटीन है सो एक्स प्लस बी वाई देखो अगर मेरे पास कभी ऐसा हो ना तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है याद रखिए ए एक्स प्लस बी वाई का स्केयर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का स्केयर इजिकल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसका प्रूफ भी करवाऊंगा प्लस ऑफ वाई स्केयर मुझे क्या निकालना है ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई सॉरी एक्स माइनस बी वाई सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना है भाई पच्चीस ये कितना है सत्रह ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्केयर मुझे ये निकालना है प्लस ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी वाई कितना दिया है आठ का स्केयर चौंसठ सो ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्केयर ये कितना होगा पच्चीस गुना सत्रह कितना होगा आपके पास दस प्लस सात टू फिफ्टी प्लस वन सेवेंटी फाइव सो फोर ट्वेंटी फाइव हो गया माइनस ऑफ सिक्सटी फोर तो ये कितना टू ऑप्शन नंबर डन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था लेवल पे, बट दैट आसिन पेपर तो अच्छा क्वेश्चन था द मार्क ऑफ एन आर्टिकल इज वन थाउसेंड रुपीज आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट इट वॉज सोल्ड फॉर सिक्स हंड्रेड इफ द फर्स्ट डिस्काउंट वॉज एक्स परसेंट दैन ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट देखो डिस्काउंट के सीन में ही होता है जो बाद में ले डिस्काउंट पहले ले लो तो भी दिक्कत नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जो आपने हज़ार रुपये की चीज़ थी खरीदी उस पर पहले ले लो पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट इसका पच्चीस परसेंट कितना होगा माइनस दो सौ पचास तो ये कितना रहेगा बेटा सात सौ पचास रह गया अब ये कितने का पड़ रहा है छः सौ का इसका मतलब फर्दर एक्स परसेंट का डिस्काउंट है यानी कितने का डिस्काउंट है एक सौ पचास का कितने में सात सौ पचास पे गुना सौ परसेंट तो ये कितना हो गया पंद्रह पन्जे पचहत्तर ट्वेंटी परसेंट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लियर सो दैट वाज वेरी बहुत आसान सा क्वेश्चन था कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं इसमें तो करते हुए डरना नहीं बिल्कुल भी इसको नेक्स्ट पे चल रहे हैं ओके चलिए मेरे को क्या दी है वन माइनस थीटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो अगर मैं बात करूँ इसको क्वेश्चन को

अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन देखो अब न्यूमिनेटर में क्या बना वन माइनस साइन थीटा इंटू ऑफ वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डन इतना बन गया कुछ गलती तो नहीं की बार चेक कर लें वन मैने साइन थीटा वन अपन कॉस थीटा टेन साइन अप कॉस टेन हो तो साइन अप कॉस तो क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी मेरे पास बिल्कुल सही थी तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस वन अपन कॉस प्लस वन चलो अपॉन में देखते हैं भाई कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए होना तो चाहिए तो देखो नीचे क्या बनेगा मेरे पास अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस्ट थीटा प्लस वन अपॉन थीटा डन और ये क्या बनेगा Cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा डन नेक्स्ट देखो कितना भाई ये वन माइनस थीटा हो गया one minus sin theta square यानी cos theta हो गया. अपॉन ये क्या आ गया कॉस्ट क्या साइन थीटा ये क्या बन गया ए प्लस बी माइनस बी यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्केर माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डन देखो ये तो कैंसिल ये ऊपर चला गया यहां पर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या है देखो इसको खोलो जरा साइन का थीटा प्लस के थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन देखो ये आइडेंटिटी वन होती है क्लियर कॉस कैसे कॉस कर गया साइन से गया साइन तो ये कितना बचा साइन थीटा बाई टू ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्लियर सो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट दैट वाज़ नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड डन नेक्स्ट पे चल रहे हैं एंड that in that is the last question of the apna uh, lecture ka in a survey it was found that uh, सी फिफ्टी परसेंट द वोटर आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल सो सौ परसेंट है इसमें कुछ मेल है इसमें कुछ फीमेल है फोर्टी परसेंट मेल वोटर आर इलिटरेट इसका फोर्टी परसेंट क्या है ट और ये क्या है लिटरेट तो इसका फोर्टी परसेंट क्या होगा भाई बाईस होगा ये कितना होगा थर्टी थ्री होगा डन और इस फीमेल्स के लिए भी कुछ ऐसा ही बोला इसने एंड थर्टी थ्री परसेंट फीमेल वोटर इलिटरेट इसका वन बाई थ्री कितना होगा भाई पंद्रह होगा तो लिटरेट कितना होगा तीस होंगे वट परसेंटेज ऑफ द वोटर आर इलिटरेट अब इलिटरेट पूछ रहा है वो देखो यहां पे बाइस और यहां पे तीस है तो बाईस प्लस इज इक्वल टू हाउ मच फिफ्टी टू परसेंट ऑप्शन नंबर भी सो दैट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर जो आज डिस्कस किया बिकॉज कैलकुलेटिव था एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सो प्लीज लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए डन ताकि ऐसा ही आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद हमें मिलता रहे चलिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और प्लीज 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 ध्यान से अभी पीडिया के साथ तैयारी कीजिए नौकरी अवश्य मिलेगी थैंक यू